सेंट्रल बैंक द्वारा खाताधारकों से की गई करोड़ों की धोखाधड़ी को लेकर व्यापारियों ने रामघाट रोड पर की प्रेस वार्ता। अलीगढ़ के थाना कुआरसी क्षेत्र अंतर्गत नौरंगाबाद स्थित सेंट्रल बैंक में जहां बीते दिनों बैंक के प्रबंधक द्वारा बैंक के खाताधारकों के खाते से करोड़ों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया था, वहीं खाताधारकों के साथ हुई धोखाधड़ी में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है, जिसको लेकर आज व्यापारियों ने रामघाट रोड पर एक प्रेस वार्ता की है। जानकारी देते हुए व्यापारियों ने कहा कि जिस तरह प्रबंधक द्वारा हमारे हाथों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई है और उसके बाद अब बैंक के अधिकारी खाता धारकों को अपने पास बुलाते हैं और घंटों तक तरह तरह के सवालों से पूछताछ करते हैं। व्यापारियों ने कहा कि पैसा हमारा गया है और हम लोगों से ही तरह तरह की पूछताछ की जा रही है। मेरा नाम ओपी वर्मा है, सेंट्रल बैंक में मेरा पेंशनर खाता है और दो मेरी बेटियों के भी सेंट्रल बैंक में नौरंगाबाद में खाते हैं। जब ये बैंक खुला था तभी से खाते हैं, इसके बाद मुझे कोई परेशानी नहीं रही। लेकिन अब ये परेशानी हुई कि मैंने लोन लिया था एफडी पर, तो एफडी लोन पे मुझे 9 लाख का लोन दे दिया गया। उसके बाद में मुझसे कहा एफडी को सरेंडर कर दो, कम रेट पे हम इसको रिन्यू कर देंगे। इसके बाद मुझे 5-6 लाख का लोन पेंशन लोन दे दिया गया, पेंशन लोन भी मेरा सेंशन कर दिया और वो भी सेंशन था। और 5 लाख को जिस दिन सेंशन हुआ है उसी दिन उसको उन्होंने विड्रॉल करके 7,35,000 खाते से निकाल करके किसी और को दे दिया और 3 लाख खाता और निकाला। इस तरह से 3-3 लाख जो और निकाले गए, इस तरह से मेरा जो है कुल 16,35,000 जो है सेविंग बैंक से डेबिट हुआ। और दूसरा मेरी बेटी का खाता था, उससे 2 FD थी, मैंने रिन्यू कराने के दी थी, वो FD उन्होंने क्लोज करके उस पैसे को 3,31,000 के करीब होती थी और उन्होंने 4 लाख रुपए उसमें से विड्रॉल कर लिया, वो विड्रॉल कर लिया। दूसरा खाता मेरी और बेटी का था, उसमें से 45,000 रुपए उन्होंने विड्रॉल कर लिया। तो इस तरह से मेरा जो है 25,35,000 का टोटल जो है डेबिट हुआ है तीनों खातों से। मेरे जैसे करीब करीब 80% लोग हैं, 500-600 लोग तो मेरे विचार से होंगे। सॉल्यूशन हमारा यही कि आप हमारे अपने माध्यम से इस बात को ऊपर हाई लेवल तक, इवन सेंट्रल और स्टेट लेवल तक बनाए। कानूनी कार्रवाई के लिए ये कि हम जो क्राइम सेल में गए थे, उन्होंने ये कह दिया इंस्पेक्टर ने कि भाई आपका जो है वहाँ से हमने मांगा है, इसलिए रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, हम उनसे रिपोर्ट मांग रहे हैं, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। नेक्स्ट स्टेप ये कि अगर ये हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम बैंक का घेरा, सभी कंज्यूमर मिल के बैंक का घेराव करेंगे और बैंक को चलने नहीं देंगे। इलेक्शन के बाद हमारी यही प्लानिंग, मकसद यही है कि हमारा बैंक में गबन हो गया बहुत बड़ा। हमने बैंक मैनेजर पे बहुत विश्वास किया है ना, बैंक पे विश्वास किया, कई साल से बैंक में खाते चल रहे थे, गवर्नमेंट की बैंक थी, इसलिए हमने माना कि सेंट्रल बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, इसलिए हमने इस बैंक पे बहुत विश्वास किया। लेकिन बैंक प्रबंधन ने पूरे ने अपने झांसे में लेके साथ हमारा पैसा फर्जी तरह से निकाल लिया। सभी लोग हम बहुत परेशान हैं, सभी व्यापारी डेली जाते हैं, बैंक सबको अलग अलग बुलाती है, पूछताछ करती है, सबसे बोलती है कि तुमने कैसे किया, किसने कैसे किया। हमने तो पैसा बैंक को दिया, वो जाने उसने कैसे किया। हमारा आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि हमारा सब व्यापारियों का पैसा, ये पेंशनर अंकल जी, इस गरीबों का पैसा सबका वापस दिलाया जाए। कितने कंज्यूमर हैं जिनके साथ ये धोखाधड़ी? भाई साहब ऐसा लग रहा है कि बैंक के 80% कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी हुई है। ये मान लीजिए 800 खाते हैं तो 600 के साथ धोखाधड़ी है। क्या आश्वासन मिल रहा है? कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। हमने पूछा हमारी लिमिटेड रोक दी जाए, इस पे ब्याज रोक दी जाए, तो वो बोल रहे हैं कि है ना आपको लिमिटेड पैसे डालने पड़ेंगे, हम कुछ नहीं रोक पाएंगे। ये अंकल जी कल मेरे सामने बैठे हुए थे, है ना, इनकी ब्याज भी काट दी, इनकी किस्त भी काट दी, सब काम कर दिया। हम बहुत परेशान हैं सभी लोग, जितने है ना जी। कितने का फ्रॉड हुआ भाई साहब? इसकी मेरी जानकारी नहीं है फिलहाल, मुझे ऐसा लगता है बैंक जानकारी दे रही है, उससे कम से कम ये तो 20-25 करोड़ का फ्रॉड लग रहा है। नेक्स्ट स्टेप यही है, हमारे कोई नहीं सुन रहा, आप हमारी बात ऊपर से ऊपर तक पहुँचा, हमें मीडिया आके आखिरी गुहार है। महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आई।